प्रयास करेंगे आपकी कोई लड़की आपको मिल जाए। देखिए हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आपको एक लड़की मिल जाए जिसके लिए आप फास्ट। थैंक यू मैम। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि हर बार लड़कियां ही क्यों रखे, लड़के भी रखे ना। मैं नहीं रखूंगा, वही रखेगी। अच्छा वही रखेगी, ये आपने सोचा हुआ है। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं आपको आपकी जैसी कोई वाइफ मिल जाए जो वो भी ना रखे। वो हाँ अच्छी बात है, और अच्छी बात है ना रखे। अच्छा मतलब उनके सामने आपकी नहीं चलती है। ये कहने वाली बात है। हाँ तो हमें भी बताइए क्या गिफ्ट देंगे। हम उनको नहीं बताएंगे, हम हाइड रखेंगे, हिडन रखेंगे। आप बताइए क्या गिफ्ट देंगे आप। तो सबसे बड़े पहले अपने दिल दे चुका हूँ मैं उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ चलने जा। इस समय मौजूद है साकेत PVR के बाहर। आप सबको पता है कि करवा चौथ का त्यौहार जो है वो आने वाला है, और क्योंकि ये त्यौहार महिलाओं के लिए काफ़ी स्पेशल है और आजकल के टाइम पे लड़कियां और महिलाएं हो सभी फास्ट रखते हैं, तो हम यहां पे जानेंगे लोगों से कि वो किसके लिए फास्ट रखते हैं, और भी कई मज़ेदार सवाल हम उनसे पूछेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि ये फास्ट वो कैसे रखेंगे और वो किस तरह से इसे मनाएंगे। कल करवा चौथ है मैम, आप फास्ट रख रही हैं, आपके हस्बैंड भी रख रहे हैं। पता नहीं अभी तक पूछो, हम उनसे भी पूछेंगे। पर आपने उन्हें ये नहीं बोला कि मेरे लिए फास्ट रखो? नहीं, पहले रखते थे, अपने रखते। अच्छा, शायद किसी डर की वजह से या फिर वो ऐसे ही इन्होंने इस साल मूड चेंज कर दिया है। नहीं, अब बच्चे हो गए तो वो बच्चों को संभालने लग जाते हैं, फिर मैं फास्ट आराम से रख लेती हूँ। अच्छा, वो बच्चों को संभालते हैं और आप फास्ट रखती हैं। हाँ, और जब बच्चे नहीं थे तो दोनों रखते थे। अच्छा, बच्चे मतलब ये बीच में बच्चे आ गए हैं इसलिए वो सर जो है वो फास्ट नहीं रख पा रहे। हाँ, होने के बाद आपने फास्ट रखना छोड़ दिया। मतलब बोल रहे हो, सही कह रहे होंगे, क्या बोले, मना सुना कर सकते हैं? अच्छा मतलब उनके सामने आपकी नहीं चलती है। ये कहने वाली बात है। तो कल करवा यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। एक और एक सवाल है कि आप उनके लिए कुछ गिफ्ट प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ? मतलब नहीं सर, वो तो प्लान चल रहा है। मतलब कल मैम को पता चलेगा कुछ ऐसा सरप्राइज उन्हें मिलने वाला? हाँ, पक्का रखने वाले। नहीं, मेरा कोई अभी नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब कोई कुछ भी नहीं है मेरा, अभी नहीं रख सकते। अच्छा, मतलब कि गर्लफ्रेंड नहीं है तो आपने सोचा हुआ कि ना, तो मतलब गर्लफ्रेंड बनेगी तो रखेंगे उसके लिए? नहीं, अब पहले तो फिलहाल में कोई है ही नहीं, अभी फिर भी कोई आएगा लाइफ में तो फिर रखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये सोचा है कि अगर कोई आएगा तो रखेंगे? रखेंगे। अच्छा, तो फिर मतलब कल तो आप मतलब ये फास्ट नहीं रख रहे हैं, तो फिर ये कल इस चक्कर में तो फास्ट नहीं रखेंगे कि हाँ भगवान कोई ऐसी कोई लड़की मिल जाए कि अगले साल फास्ट रख लूँ? हाँ, ऐसा फील करूँगा। मतलब ऐसा इसके लिए फास्ट रखेंगे आपकी, हाँ भगवान कल मुझे कोई मिल जाए? ऐसा मैं प्रयास करूँगा, मैं सोचूंगा। अच्छा, प्रयास करेंगे आपकी कोई लड़की आपको मिल जाए। देखिए हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आपको एक लड़की मिल जाए जिसके लिए आप फास्ट रखें। थैंक यू मैम। करवा चौथ का व्रत है कल, आप सबको पता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किसी के लिए फास्ट रख रही हैं? नहीं, मतलब आप क्लियर है अपनी तरफ से कि मुझे फास्ट नहीं रखना है। चलिए बढ़िया है। आपका कोई बॉयफ्रेंड है जिसके लिए रखेंगी या फिर सोचा हुआ है कि यार पति आएगा तो उसके लिए रखूंगी? पति आएगा उसी के लिए रखूंगी। अच्छा, पति आएगा उसके लिए रखेंगे, ये सोच के नहीं रखेंगे कि अब कोई अच्छा पति मिल जाए या फिर उसके लिए? बिल्कुल नहीं। यस, नहीं, मतलब हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि भगवान भी बहुत अभी 2020 एज वेल यू नो, तो इसलिए मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो जब आएगा तब रखूंगी, अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अगर आप रखेंगी तो ये उनके लिए भी वैलिड होगा कि उन्हें भी रखना पड़ेगा या फिर आप ही रखेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मर्जी होगी, अब इफ ही वांट्स टू तो वो रखें, अदरवाइज इट्स ओके। मतलब आई डोंट वांट इवन कि मेरा भी कुछ कंफर्म नहीं है, अगर मेरा हस्बैंड मुझे प्रेशराइज करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी, और अगर वो इजी रहेगा तो आई विल। मतलब आपका बॉयफ्रेंड ये क्लियर है? हां। तो ठीक है, फिर लड़कों के लिए चांस है, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं वो देखते हैं हमारी वीडियोस, तो उनके लिए चांस है कि आप मतलब उनमें से कोई अगर आपको पसंद करे तो फिर चांस है कि वो आप उनके लिए अगले साल व्रत रखेंगी? नहीं, अगले साल तो नहीं, बिल्कुल नहीं, शादी के बाद आई विल डेफिनेटली। मतलब लड़कों को जो है वो शादी तक का वेट करना पड़ेगा आपके फास्ट के लिए? ऑफ कोर्स, दे हैव टू। करवा चौथ का फास्ट है तो आप फास्ट रखने वाले हैं? आप इस क्या आप फास्ट रखोगे कल? तो आने वाली गर्लफ्रेंड के लिए या बीवी के लिए रखेंगे या कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं है दीदी, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मतलब ये सोच के रख रहे हैं कि अगले साल कोई गर्लफ्रेंड बने जिसके लिए रखेंगे आप? खाली ये ऐसे ही रख रहा दीदी। अच्छा, ऐसे ही रख रहे हैं, मतलब कोई कारण नहीं है जिसके लिए आप रख पाए? कभी मैंने देखा दीदी, कभी रिया नहीं बने, आज देख कभी कल रख। मैं किसके लिए रखूंगा बताइए मुझे?
गर्लफ्रेंड नहीं है या शादी भी नहीं हुई है? कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है तो कल फास्ट है, आप रख लीजिए, क्या पता आपको अगले साल कोई अच्छी लड़की मिल जाए। जो नसीब में होगा तो होगा, मैं क्यों रखूं फास्ट? अच्छा, ये सोचा अगर शादी हुई तो भी नहीं रखेंगे? नहीं रखूंगा। नहीं रखेंगे? और अगर आपकी वाइफ कहेगी कि रखो तो भी नहीं? नहीं रखूंगा मैं। अभी वो सर कह रहे थे कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर आदमी को अपनी बीवी की बात माननी पड़ती है, तब भी नहीं रखेंगे? मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, मतलब आप अपने वादे पे जो है ये सटीक है, मैं नहीं रखूंगा? नहीं रखूंगा मैम। देख लीजिए, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर किसी को आप पसंद आ गए तो। मैम मैं नहीं रखूंगा, वही रखेगी। अच्छा, वही रखेगी, ये आपने सोचा हुआ है। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं आपको आपकी जैसी कोई वाइफ मिल जाए जो वो भी ना रखे। ओ हाँ, अच्छी बात है। और अच्छी बात, करवा चौथ है, आपकी मम्मा रखती होंगी, आप भी रख रही हैं? नहीं रख रही हैं, बॉयफ्रेंड नहीं है? तो फिर ऐसे ही मतलब अगले साल रखेंगी बॉयफ्रेंड बना के या फिर शादी के बाद? नहीं, मेरा प्लान ही नहीं है रखने का। चलिए, तो बिल्कुल ये आपका बिल्कुल वाजिद वो है, सही तरीका है आपका। मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी कि अगर लड़का आपके लिए रखेगा तो फिर आप रखेंगी? तब आप, मतलब ये इक्वालिटी की बात आ गई है कि वो रखेगा तभी मैं रखूंगी? ये थोड़ी ना कि हम ही उनके लंबी उम्र के लिए, वो भी तो हमारी लंबी उम्र के लिए। बिल्कुल, देखिए मेरा भी यही मानना है, मैं आपके सवाल से बिल्कुल अग्री करती हूँ जवाब से। तो फिर ये कह रही हैं आप कि अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है, हम उनको ये बोल देंगे कि अगर तुम रखोगे तो ही मैडम रखेंगी? बिल्कुल। आपको तो बताइए कल करवा चौथ का तो मुझे बताइए कि आप किसी के लिए फास्ट रखते हैं या नहीं, या आप शादीशुदा हैं या फिर आप कवारे हैं? शादीशुदा होगी, मैं व्रत रखता हूँ सिर्फ भगवान के लिए बस। अच्छा, मतलब बीवी का कोई वो नहीं है कि इसमें, मतलब वाइफ के लिए व्रत रखना ही नहीं है? हमें क्या लेना वाइफ से ही, वाइफ के लिए कौन व्रत रखेगा, वाइफ हमारे लिए रख सकती है ना। अच्छा, तो ये अच्छा, ये आप सोच रहे हैं कि वाइफ आपके लिए रखेगी पर आप नहीं रखेंगे? मैं तो नहीं रखूंगा। ये मतलब ये किस फिलॉसफी से आप वो है कि लड़की वाइफ रखेगी, आप क्यों नहीं रखते? अगर आप भगवान के लिए रख सकते हैं तो आप वाइफ के लिए भी रख सकते हैं। अच्छा, भगवान है तो बीवी भी है। अच्छा, तो फिर आप मतलब फास्ट नहीं रख रहे हैं? और तो कल आपकी वाइफ रखेंगी पास, तो उनको आप कुछ गिफ्ट देंगे या नहीं, या ऐसे ही जाने देंगे? गिफ्ट तो जरूर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब सोचा है कि क्या गिफ्ट देंगे? सोच रखा है। तो हमें भी बताइए क्या गिफ्ट देंगे, हम उनको नहीं बताएंगे, हम हाइड रखेंगे, हिडन रखेंगे, आप बताइए क्या गिफ्ट देंगे आप? तो सबसे बड़े पहले अपने दिल दे चुका हूँ मैं उनको, ठीक है, और वो अगर जो भी उनका ख्वाहिश होगा एक बार बोलेंगे उनको ला के। कैमरा पर्सन आयुष के साथ शालिनी झा, साकेत, न्यू दिल्ली।